माता पिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय सारे विश्व में प्रख्यात है, भारतवर्ष में नहीं विदेशों में भी अपने बहुत केंद्र हैं। एक दफा और हमारे विद्यालय में कहीं 10 कहीं 20 कहीं 15 कहीं 18 बहनें रहती हैं, बहुत प्यार से आपस में रहती हैं, कभी किसी का झगड़ा नहीं होता। एक दफ़ा महात्मा गांधी जी से हम दिल्ली में मिले थे, मैंने उनको बताया कि हमारे यहाँ माउंट आबू में हेड ऑफिस में दो तीन चार बार हम मिले उनसे, महात्मा गांधी बात बहुत मतलब की है। हमने उनको बताया कि हमारे यहाँ 500 महिलाएं एक ही चूल्हे पर खाना बनता है, एक ही घर में रहती हैं, तो बोले हैं बड़े ताज्जुब की बात है, जरूर कोई भगवान का कार्य चमत्कार है। हमने तो गांधी जी बोले हमने 17 महिलाओं का एक संगठन बनाया, वो 12 दिन के अंदर ही टूट गया, एक ही चुटिया दूसरे के हाथ में लड़ाई हुई, वो हमने संगठन तोड़ना पड़ा। तो उन्होंने कहा जरूर कोई ईश्वरी कार्य है, ईश्वरी शक्ति है जो इस कार्य को चला रही है। तो हमारे यहाँ ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में 5,000, 7,000, 8,000, 10,000 माउंट आबू हेड ऑफिस में तो इतने रहते हैं, और केंद्रों पर भी कहीं 12, 15, 20, 25 इतने लोग रहते हैं, और बहुत प्यार से रहते हैं, कभी किसी का आपस में कोई तनातनी नहीं हुई है, और ये बहुत बड़ी कमाल की बात है, कभी भी चूचा नहीं हुई है। मेरे साथ भी लगभग 12-13 डिस्ट्रिक्ट में मैंने केंद्र बनाए हैं, ये जितने भी यूपी के अंदर शिकोहाबाद, इलाहाबाद और फतेहपुर, बिंदकी और हमीरपुर, इधर कई केंद्रों में मैंने अकेले जा कर के सेवा केंद्रों की स्थापना की है। और मैं चित्रों का बंडल ले जाती थी, बस में बैठ के चली जाती थी, और जा कर के कैसी जगह ले करके खड़े करके मैं खुद ही प्रचार करती थी। तो मैं अकेले ही मेहनत करती थी अपनी जवानी में, अब तो मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ। उस समय के अभी 12-15 केंद्र जो हैं वो सब कायम हैं, सब बहनें चला रही हैं, सब बाल ब्रह्मचारी बहनें उसमें रहती हैं, व्यवस्था बहुत अच्छी चला रही हैं। तो अपना एक यहाँ विद्यालय बनाया है जिसका मॉडल स्वर्ग का, भारत स्वर्ग कैसा होता है, तपोवन के नाम से यहाँ पुल के ऊपर है। मैं आपसे कहूँगी कि एक दफ़ा वहाँ भी थोड़ा आप राउंड करके देख के आइए, हमारा भारत कैसा था। ये भारत स्वर्ग था, ये भारत सतयुग था, आज कलयुग बन गया। सतयुग के लोग कैसे थे, पुनः ये सृष्टि चक्र है, इस सृष्टि चक्र में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, कलयुग के बाद फिर सतयुग आएगा, लेकिन बीच में ये जो युग है ये ऑस्पिशियस युग, धर्माव युग, संगम युग है, ये संगम युग परिवर्तन का युग है। नरकवासी सब स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन जब वो अपना परिवर्तन करेंगे मन बुद्धि संस्कारों का, और अपने जीवन में पवित्रता को धारण करेंगे, पवित्रता हमारी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि हम ईश्वर की संतान हैं, परमात्मा के बच्चे हैं, परमात्मा परम पवित्र है और हम भी उसकी संतान हैं। अगर हम उसकी संतान हैं तो उसके बच्चे भी तो पवित्र ही होने चाहिए। ये भारत हमारा सतयुगी दैवी राज्य था, राधा कृष्ण यहाँ राज्य करते थे, लक्ष्मी नारायण यहाँ राज्य करते थे, देवताओं का युग था। तो ऐसे देवताओं के युग के आने का समय आ चुका है, परिवर्तन का युग है, अब बदलिए अपने जीवन को, परिवर्तन करिए अपने जीवन को, सुखमय बनाइए। लेकिन जीवन सुखी तभी बनेगा जब पवित्रता जीवन में होगी। पवित्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसलिए पवित्रता में रह करके अपने बच्चों को पवित्र बनाइए, घर गृहस्थ को पवित्र बनाइए, शहर को पवित्र बनाइए, मन वचन कर्म से पवित्र रहिए। न किसी को दुख देना है, न किसी से दुख लेना है, क्योंकि हम शांतिदाता की संतान है, हम परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं। परमात्मा सुख का दाता है, शांति का दाता है, पवित्रता का दाता, हमारा पिता इतना उच्च अधिकारी, और हम उसके बच्चे क्या कर रहे हैं। तो पिता की पहचान होना बहुत जरूरी है,
उसके साथ योग लगाना जरूरी है, अपने कर्म इंद्रियों का परिवर्तन करना बहुत जरूरी है। तो घर में आप भी तो सुख चाहते हो, मंदिर में जाते हो, मूर्ति से मांगते हो, भगवान हमें सुख दो, हमारे बच्चों को सुख दो, तो सुख तो हमारे कर्मों से मिलेगा ना। जब हम अपने बुरे कर्मों का त्याग करेंगे, गलत कर्मों का त्याग करेंगे, अच्छे कर्मों को जीवन में धारण ग्रहण करेंगे, तो हम सुखी ही सुख है हमारे जीवन में। ये भारत हमारा सुखमय था, आज दुख में किसने बनाया? ये रावण ने बनाया। रावण क्या है? पांच विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। पांच विकार पुरुष में भी है तो पांच विकार स्त्री में भी है। तो दोनों की आपस में खिटपिट होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, भाई भाई से लड़ते हैं, बाप बेटा लड़ते हैं, माँ बेटा लड़ते हैं, सास बहू लड़ते हैं, तो लड़ाई क्यों होती है? अरे हम सब एक बाप के बच्चे हैं, हमारे अंदर वो सारे गुण होने चाहिए, शांति प्रेम आनंद सुख, ये कहाँ मिलेंगे? ये पत्थर की मूर्तियों से थोड़ी मिलेंगे। मांगते हो मंदिर में जाके, हे भगवान हमें सुख दो शांति दो। सुख कोई स्थूल वस्तु थोड़ी है, सुख जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हम सुखी बनते जाएंगे। तो हमारे एक हमने मॉडल बनाया है अपने केंद्र में, यहाँ पर मैं बहन जी से अनुरोध करूँगी कि उस मॉडल को देखें, सतयुगी भारत कैसे होता है उसका हमने बनाया। शेर गाय भी एक घाट पर ही पानी पीते हैं, वो भी लड़ते झगड़ते नहीं, मनुष्य भी एक साथ रहते हैं, पति पत्नी भाई बहन बाल बच्चे, वो मॉडल एक देखने वाला बहुत सुंदर बनाया है। मैं आपसे अनुरोध करूँगी कि आप कब समय देंगी देखने के लिए, वो दिखाना चाहते हैं। अच्छा क्या बहुत अच्छा, अशांत होगा ही नहीं, शांति की अशांति आपके पास आएगी ही नहीं, नहीं आएगी अशांति, नहीं आएगी। आप शांति दाता की बच्ची हैं, शांति स्वरूप भगवान की बच्ची हैं, आपके पास अशांति नहीं आएगी। बस आप थोड़ा हमारे साथ मिलते जुलते रहिए, अब जिंदगी नहीं, गलती जो हुआ वो ड्रामा के अंदर फिक्स था, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बनने नहीं, चिंता ताकि कीजिए, जो अनहोनी हुई जो भी कुछ हुआ वो सब ड्रामा में फिक्स था, वो बीत गया, जो बीत गया उसको भूल जाओ, आगे की याद करो बस। अब बहुत अच्छा, आज आपको मिल करके हमें इतनी खुशी हुई, चित्रों में अखबारों में आपका चित्र देखते थे, लेकिन आज तो बिल्कुल हमारी बहन हमको मिल गई, क्या कहें। आपको भी खुशी है ना, सबको कितने अच्छा लगा, ऐसी बहन जगन नगर की मेयर, ऐसी बहन इतनी सुशील इतनी अच्छी, अरे प्रभु ने तो इनको पसंद कर लिया, सारे सुखों से भरपूर कर देगा सब। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, सदा सुखी रहो, सदा खुश रहो, सदा सफलता को पाती रहो। ओम शांति।